अगर मैं टाइम से अपनी स्किन को नहीं संभालती ना, तो आज मेरी स्किन का पे पता नहीं आप क्या क्या देखते, पता नहीं कितनी गंदी मेरी स्किन हो जाती। यानी कि मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँ कि मेरी इतनी गंदी स्किन थी और इतनी गंदी स्किन से मैंने इस तरीके की स्किन पाली, मतलब मैं पहले काली थी अब गोरी हो गई, बिल्कुल भी नहीं। किसी वजह से यानी प्रेगनेंसी टाइम पे मैं कुछ इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, स्किन काफ़ी डल, इतने सारे पिंपल, इतनी सारी पिगमेंटेशन, समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपको ऊपर से काम करना है और इंटरनली भी आपको काम करना है। बीट रूट जूस आपको ज़रूर पीना, बहुत बड़ी हेल्प होगी आपकी, स्पेशली आपके कलर को निखारने के लिए। तो मैंने बीट रूट जूस पिया था। बाकी आज का जो DIY है, इसे ना केवल आप अपने फेस पर लगा सकते हैं, आपकी गर्दन अगर काली है, माउथ एरिया काला है, एल्बो, बट एरिया, बिकनी एरिया, अंडरआर्म्स, यानी जो भी बॉडी का आपका कालापन है, ये परमानेंटली उसको रिमूव करके आपकी रंगत को निखारने का काम करेगा। तो DIY है, क्रीम है, स्क्रब है, सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है, पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अभी मैं फिलहाल ये वाला स्किन केयर करके बैठी हूँ और आप मेरे फेस की रंगत देख सकते हैं, शाइन देख सकते हैं, चमक देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पैक बनाएंगे। पैक बनाने के लिए आपको खीरा लेना है। खीरा सबके घर में अवेलेबल होता है। पील ऑफ करके उसको वॉश करके उसको ग्रेट कर लेना है और 3 से 4 बड़े चम्मच इसका आपको जूस निकाल लेना है। रिंकल्स को हटाएगा, रंगत को तो बहुत अच्छे तरीके से निखार देगा। बहुत बेस्ट टाइम है गर्मियों का टाइम कि आप खीरा अपने फेस पे जितना लगाएंगे उतनी ठंडक होगी, pH लेवल को ठीक करता है। आधा लेमन लेना है और इसके अंदर आपको स्क्रीच कर देना है। लेमन विटामिन सी होता है अगेन, और बहुत अच्छे से आपके जो दाग धब्बे हैं उनको फेड करके और एक प्यारी सी स्किन आपको वापस लौटाता है। सारी डेड स्किन जो काली पड़ है उसको निकाल देगा। उसके बाद एक छोटा सा टमाटर लेना है, कट करना है, उसका जूस आपको इसके अंदर डाल देना है। तो इन तीनों का जूस आपको चाहिए। अब इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो है आपका कॉफ़ी पाउडर, यानी मेरे पास कोको पाउडर है, आसानी से आपको कॉफ़ी पाउडर मिल जाएगा। आप कॉफ़ी पाउडर का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं, 2 से 3 बड़े चम्मच। अब उसके बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब लास्टली इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन। बेसन को कैसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बेसन आपकी जितनी भी मैल है, जितनी भी गंदगी है, जितना भी ऑयल है, जितनी भी डर्ट है, पोर के अंदर जा चुकी है, उन सबको क्लीन करने में काफ़ी मदद करता है। तो ये पैक कंसिस्टेंसी का आपका बनके तैयार हो गया है। तो ये है आपका पैक। लेकिन जो हमारा खीरे का, लेमन का और टमाटर का जो हमारा जूस बचा हुआ है उसे फेंकना नहीं है, उसको भी इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये हमारा जूस बचा हुआ है इसे आपको अपने उन पार्ट्स के ऊपर रब करना है, जैसे कि मैं आप लोगों को गर्दन पे दिखा रही हूँ। बहुत लड़कियों की गर्दन काफ़ी काली होती है, आप इसको फेस पे कर सकते हैं, आप इसको बिकनी एरिया पे कर सकते हैं, थाई एरिया पे, जहाँ पे भी ब्लैकनेस है हर जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अच्छे से गर्दन पे रब कर रही हूँ मैं पहले, इसके साथ आपको रबिंग करनी है। हाथों पे अगर आपको यहाँ पे मैं टिप के ऊपर किसी किसी को ब्लैकनेस आ जाती है, हाथ बिल्कुल काले हो जाते हैं, बाहर जाने से सन टैन आ जाता है, तो हाथों के ऊपर भी आप बिल्कुल अच्छे से इसको रब कर लीजिए 5 या 10 मिनट के लिए। उसके बाद एक सिंपल कपड़े के साथ आप इसको पोंछ देंगे। पैक लगाने से पहले, रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है DIY करने का, इंस्टेंटली अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं क्यूरा ब्रांड का डार्क नील डार्क स्पॉट स्किन पॉलिशर और डार्क स्पॉट्स लाइटनिंग क्रीम। यानी एक आपका स्क्रब आपको मिल जाता है और एक आपकी क्रीम। प्लस पॉइंट ये है कि ये केवल 90 रुपीज में आप तक पहुंच जाएगा। आप इसको लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये केमिकल फ्री है, अल्कोहल फ्री है, पैराबिन सल्फेट कोई भी केमिकल इसके अंदर नहीं डाला गया है, स्किन फ्रेंडली है। 2 पैकेजिंग आपको मिल जाएंगी, जैसे मैंने बताया, एक स्क्रब है और एक आपकी क्रीम है, दोनों का ही आपको यूज करना है। अगर आपका बिकनी एरिया काफ़ी डार्क हो चुका है, आपका अंडरआर्म्स काफ़ी डार्क हो चुका है, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट काफ़ी डार्क हो चुका है, जैसे घुटने हैं, जैसे आपका बट एरिया है, थाई एरिया है, तो वहाँ वहाँ पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले आपको स्क्रब यूज करना होता है। स्क्रब आप लेंगे थोड़ी सी क्वान्टिटी में और जहाँ पे भी आपको ब्लैकनेस दिखती है, जैसे किसी किसी के फिंगर वाले ये जो टिप होते हैं ये ब्लैक हो जाते हैं, तो जहाँ का भी कालापन आप निकालना चाहते हैं वहाँ पे हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है 4 या 5 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद आपको देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और आपकी जो ब्लैकनेस है उसमें थोड़ा सा, मतलब कि बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंस आपको जरूर दिखेगा। अब स्क्रब यूज करने के बाद बारी आती है क्रीम की, क्योंकि पोर थोड़े से खुल जाएंगे, अब क्रीम लगाना काफ़ी जरूरी हो जाएगा। तो क्रीम लेनी है हल्की सी क्वांटिटी में और अपने ब्लैक एरिया के ऊपर आप इसका यूज कर लेंगे। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि आपके थाई एरिया, बिकनी एरिया, अंडरआर्म्स पे आप डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हैं। इंडियन
ब्रांड है 100% मेड इन इंडिया है, तो इंडियन ब्रांड को हमें सपोर्ट करना चाहिए। 90 रुपये में मिल जाएगी, केमिकल फ्री है, स्किन फ्रेंडली है। लेना चाहते हैं तो इनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। टाइम नहीं है तो ये वाली जो क्रीम्स हैं इनका यूज आपको ज़रूर एक बार करके देखना चाहिए। तो या आप बात करते हैं पैक की, पैक लेना है अपने फेस पे, अपने गर्दन पे, जहाँ पे भी कालापन है आप लगा लेंगे। मैं गर्दन पे और अपने हाथों पे लगाऊंगी, उसके बाद आप डिफरेंस देखना, आपको खुद भी कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। तो अच्छे से मसाज कर करके गर्दन पे मैं हाथों पे लगा रही हूँ ताकि अच्छे से स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए और इसका जो रिजल्ट है वो मुझे अच्छे तरीके से मिल जाए। तो वेट करेंगे 15 से 20 मिनट का, उसके बाद आप सिंपल पानी के साथ अपना जो एरिया है उसको वॉश कर देंगे और आप देख सकते हैं एकदम से बहुत रिफ्रेश स्किन हो गई है। अगर आप इसका लगातार यूज करेंगे ना तो केवल 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब जो ये बचा हुआ है, ऑफकोर्स इतनी अच्छी रेमेडी बन के तैयार है, इसको मैं फेंकूंगी तो नहीं, तो आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छे तरीके से फेस पे लगा लेना है और उसके बाद वॉश कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ये इतना अच्छा है कि इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, स्पेशली कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हम बाहर ऐसे ही चले जाते हैं। बाहर से आइए, इसे लगाइए और फिर डिफरेंस खुद ब खुद आप देख पाएंगे। आप इसको हर रोज़ यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ कर सकते हैं, आपको रिजल्ट 100 to 100% जरूर मिलेंगे। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।